नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्ट्रीम्स को। सीतामढ़ी में महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए अर्जुन राय के लिए समर्थन मांगने पहुंचे जनता से शरद यादव। तस्वीर देखिए किस तरीके से सीतामढ़ी से तस्वीर निकल के आ रही है। शरद यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। क्या खेती और फसल, किसानी और मजदूरी के सिवा और कुछ नहीं। वादा किया था 2014 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी का मतलब समझ लीजिए, खेत और खलिहान का सबसे बड़ा जानकार है। जो हरित क्रांति आया है उसे लाने वाले का नाम स्वामीनाथन। कमीशन बनाया था मनमोहन सिंह। मोदी जी ने कहा कि जो कमीशन की रिपोर्ट है, सिफारिशें है, वो तो लागू करेंगे और 1.5 गुना दाम किसान को। कल आए थे वो मुजफ्फरपुर। आजकल पहले जो नीतीश कुमार बोलते थे। शरद यादव को आपने सुन लिया है, अब सुनिए अर्जुन राय किस तरीके से तेजस्वी यादव के नाम के नारे लगवा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे से पूरी सभा जो है वो गूंज रही है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अर्जुन जा। सरकार का दादा है, सीतामढ़ी के भाइयों, आपने मौका दिया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, पूरे सीतामढ़ी के काला पानी से मुक्ति दिलाने का हमने काम किया। रोनी सैदपुर को अगर इस बार मौका देते हैं और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के सीएम बनते हैं तो सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बनाएंगे, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाएंगे। लालटेन छाप 1 नंबर पर है। इस लालटेन में आदरणीय लालू प्रसाद की आत्मा बस्ती है। इस लालटेन का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। इस लालटेन में जीतन राम मांझी है, मुकेश सहनी है, राहुल गांधी जी है और ये लालटेन आदरणीय शरद यादव सहित आप सबका है। इसलिए हार्दिक कामना करते हैं सब जात और समुदाय के लोग, हम निवेदन करते हैं कि सीतामढ़ी के हमने तस्वीर बदली है, इस 5 साल में हम तकदीर बदल के रख लेंगे। एक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और एक बात करते हैं, एक बात करते हैं, आपने तस्वीरें देख ली है। सीतामढ़ी की जंग अब तेज हो गई है, वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। शरद यादव वहां पहुंचे थे, मुकेश सहनी, सनफ मल्ला वहां पहुंचे थे और किस तरीके से हुंकार लगाई है, सारी बातों को जनता के सामने रखा है शरद यादव ने, अर्जुन राय ने भी रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में जनता अपना मत किसे देती है। सीतामढ़ी में आपको पता होगा सुनील कुमार पिंटू जो अचानक से बीजेपी से को छोड़कर जदयू में आए थे और उन्हें वहां से टिकट मिल गया था। सामने में है अर्जुन राय, क्या कुछ जनता चुनती है, किसे जनता चुनती है। लाइव स्ट्रीम्स इस खबर को भी आप तक पहुंचाता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।